सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो दोस्तों, आज हम GEC वैशाली यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली के हॉस्टल में आए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे स्टूडेंट से, फ्यूचर इंजीनियर से जानेंगे उनके हाल के बारे में कि किस टाइप से ये हॉस्टल का मस्ती होता है, पढ़ाई होता है और किस प्रकार का जो है यहाँ वातावरण रहता है। इसके साथ साथ उनसे कुछ डिस्कस करेंगे कि कॉलेज का क्या माहौल है और क्या बनना चाहते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कुछ इंजीनियर यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और कुछ ड्रॉइंग शीट को दिखा रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और सबसे बात करेंगे। और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और लर्नेबल और बहुत मस्ती भरा रहेगा, तो दिल पे टेंशन ना लेके वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पे पहली बार आया हूं तो जानवे करते हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो चलिए बात करते हैं, सो लेट्स गो। चलिए आज हम फ्यूचर इंजीनियर से बात करने वाले हैं और इनके मोटिव के बारे में और बहुत सारी जानकारियां इनसे लेंगे। खुफिया एजेंसी की तरह जानकारियां इस हॉस्टल से निकलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहोगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मनीष सिंह। मनीष सिंह कौन सा ब्रांच हुआ जी? सिविल। सिविल है। और बैच? बैच 2022 से 2026। यस। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का क्या यहाँ पे माहौल रहता है, पढ़ाई का क्या माहौल रहता है, मस्ती का क्या माहौल रहता है, और आपको कुछ एडिशनल बात हॉस्टल के बारे में कुछ खुफिया टाइप का बोलना चाहे तो बोलिए। तो देखा जाए तो हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा रहता है। अपना टाइम से पढ़ाई करो, अपना टाइम से खेलो, जो भी हो टाइम से करो, इसका माहौल बहुत अच्छा रहता है हॉस्टल का माहौल। अच्छा, सीनियर के द्वारा ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं किया जाता? नहीं, सीनियर के ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है और कुछ नहीं। हाँ, ये तो बनता है, जूनियर है तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो मिलता है। और हॉस्टल में ही नहीं बल्कि जहाँ भी रहते हैं उन तो सीनियर को रिस्पेक्ट देना बनता है। अच्छा, क्लास का माहौल क्या रहता है, क्लास क्या होता है? क्लास का माहौल अच्छा रहता है, क्लास जो टाइमिंग है उसको रूटीन के अनुसार क्लास में पढ़ाई होता है। डेली कितना क्लास हो जाता होगा? डेली 4 क्लास होता है, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में 4 ही क्लास है। जैसे हो गया फिजिक्स, हो गया मैथ, हो गया बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियर, हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, हो गया ये सब चलता है। चलिए ठीक है, तो आपको बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम यशराज है, सिविल ब्रांच से है। अरे आप तो बड़ा आसमान दिख रहे हो। हां भाई, अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ हुआ? हम पाटलिपुत्र से हैं। पाटलिपुत्र आपका घर कहाँ हुआ था जी? हमारा शाखे खास गोपालगंज। ओके ओके, तो आप ये बताइए कि आप सिविल इंजीनियरिंग क्यों ब्रांच लिए, क्या सोच के सिविल ब्रांच लिए? इसमें था इंटरेस्ट था हम लोग, और गवर्नमेंट जॉब भी। गवर्नमेंट जॉब भी। ओहो, तब तो बढ़िया है। अच्छा, क्लास का माहौल किस टाइप का रहता है? बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। खेल उल का माहौल? सब सब कुछ का व्यवस्था इस कॉलेज में, जो खेला क्रिकेट खेला सब खेल सकते हैं, सब खेल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आइए बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर में लोग आकर ज्यादा पढ़ता नहीं, एंजॉय करता, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सब चीज जरूरी है, एंजॉय करना भी जरूरी, पढ़ना भी जरूरी, पढ़ना भी जरूरी। सही बात, सही बात है। क्या स्ट्रेस लेकर कहाँ आदमी जाएगा, दो दिन का जिंदगी कहा झमेला रखेगा। चलिए आप बताइएगा जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार है। आपका ब्रांच? मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल, कहाँ से आए हैं आप? मैं समस्तीपुर से हूँ। अच्छा, आप कौन सा सेमेस्टर के हैं? 22, 2026। चलिए ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हॉस्टल में यहाँ पे कितना आपको फी देना पड़ेगा, हॉस्टल और मेस वगैरह चार्ज? मेस वगैरह टोटल मिला के 28,625 रुपए हैं, जो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है इस यहाँ की व्यवस्था के अनुसार। यहाँ की व्यवस्था ठीक है। कितना दिनों के लिए ये? ये पूरे 6 महीने के लिए आपका ये हो जाता है। 6 महीने के लिए 28,000 के आसपास जी, 28,500 आपको लगेगा। हाँ, 4,500 के आसपास, 4,500 के आसपास आपको मंथली हो जाता है। हाँ, जिसमें आपको भोजन भी मिलता है, खाना भोजन भी मिलता है, खाना 4 टाइम मिलता है। देखा जाए तो सुबह में ब्रेकफास्ट होता है 8 से 10 तक के बीच, फिर 12 से 2:30 के बीच आपका लंच हो जाता है, फिर आपको 4 से 5 के बीच आपको स्नैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको रात के 8 से 10 तक आपको डिनर हो जाएगा। इस हिसाब से हमको लगता है ये बेस्ट है यहाँ का व्यवस्था, मतलब टू टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ के, अच्छे हैं यहाँ के सीनियर, कोऑपरेटिव है, उससे हमको सीखने को कुछ मिलता है। यहाँ के सीनियर कोऑपरेटिव है, सीनियर अच्छे हैं यहाँ, सीनियर को तो रिस्पेक्ट देना ही होता है, चाहे अपने घर में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, सीनियर को रिस्पेक्ट देना ही है और वो देना हमारा अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, इतना सारा धन्यवाद, थैंक यू बताने के लिए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रोहन राज हुआ। कहाँ से आए आप? हम आरा से आए हुए हैं। आरा से आए हुए हैं, कौन सा ब्रांच हुआ? इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चलिए आप ये बताइएगा
कि यहाँ पे खेल का क्या माहौल रहता है? खेल का तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। अभी कुछ दिन में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है स्पोर्ट्स में, जिसमें वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह के भी टीम अभी बन रहे हैं, और उसमें जिसको जिसको इंटरेस्टेड है जो भी अपना नाम लिखवा के खेल सकते हैं। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। इधर आइएगा सर, इधर कैमरामैन फोकस कीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? आपका कौन सा ब्रांड हुआ? डबल ही जो उसका सिंगल साहब का डबल ही है। अच्छा आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? बस बगल महुआ से। महुआ से? अच्छा सबसे तो हम पढ़ाई के बारे में बात कर ही लिए, आप थोड़ा मस्ती के बारे में बताइए कि हॉस्टल का मस्ती क्या रहता है, कॉलेज का मस्ती का क्या रहता है? हम सब नहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा यानी कि आप गुड बॉय हो? हाँ गुड बॉय, थोड़ा बैड बॉय उधर है। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आपको इस कॉलेज में आकर कैसा लगता है? बेस्ट फीलिंग। बेस्ट फीलिंग, ये तो मन में ना रहता है कि नहीं यार कोई और कॉलेज मिल जाता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, जो मिला है वो बेस्ट है। हाँ जी, जो आगे बजाना है, जो मिला उसी में खुश रहना है। चलिए सर आपका नाम क्या हुआ? प्रतीक आनंद। कौन सा सेमेस्टर के हैं? सेम है, सब सेम ही है, सब सेम सेमेस्टर। ब्रांच? ब्रांच डबल ही है। डबल ही है, कहाँ से आए? साथ बैठा था, समस्तीपुर। सब साथ समस्तीपुर से है। चलिए बहुत अच्छा। आप ये बताइएगा कि यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग जो स्टाफ होते हैं वो कैसे हैं, कैसा माहौल? सब सही है। सब सही है, सब सही है, सब बहुत अच्छा। हाँ सबका व्यवहार सही है। हाँ वैसे मैं बता दूं कि मैं टीचिंग स्टाफ से मिला हूँ, चाहे तो कोई काम करने वाले हों जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टीचर हो, बहुत अच्छा है, हमको बहुत कोऑपरेटिव लगे, और मैं पर्सनली उनको 5 स्टार देना चाहूँगा। सीनियर्स भी हैं तो कुछ हमेशा पूछते रहते हैं क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है, जैसे कल रात में डिस्कशन हुआ है, अभी भी आया है तो मतलब मिलते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। यानी सीनियर बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसके लिए सभी सीनियर को धन्यवाद। इसी प्रकार से अपने जूनियर्स को जो है कोऑपरेट करते रहिए और उनको अच्छा मार्क दिखाइए ताकि वो अपना भविष्य में अच्छा कर सकें, अपने कॉलेज के लिए, अपने राज्य, अपने देश के लिए अच्छा कर सकें। सर उधर कैमरा फोकस कीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ सर? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, अच्छा आप ये बताइए कि आपका कौन सा ब्रांच है? सिविल ब्रांच। आए कहाँ से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। आप क्लास के माहौल के बारे में कुछ मेरे को आइडिया दे दीजिए। एक्चुअली हम 2 दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी टीचर है उनका मतलब अच्छा रहा, बेस्ट रहा हम लोग के लिए। यहाँ का सब कुछ बेस्ट है। अच्छा कॉलेज के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो? वैशाली कॉलेज, कॉलेज प्रगति पे है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज है, प्रगति पे है। आप लोग से तो बात हो ही गया, थोड़ा कैमरामैन से बात करते हैं, और कैमरामैन से बात करते हैं। ये हमारे इससे पूछिए कुछ चुनिंदा कुछ, हाँ चुनिंदा कुछ, ये है बात कर, ये है थोड़ा फेमस व्यक्ति, सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट, मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, हमारा भी फेवरेट बन गया है। अच्छा सर्कल भी सेम है, सर्कल भी सेम है, एकदम सेम है, मोर्च भी सेम लग रहा है। ये बताइए कैमरे नहीं ऑन करता। अच्छा ये बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार, रोहित जी आप कौन सा ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अरे कंप्यूटर साइंस से आप है, चलो आईटी वाले देखो मिल गए। अच्छा ये आप बताइएगा कि आप कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ मैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा आप कंप्यूटर ब्रांच की क्या सोच कर लिए हैं? कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, नए नए टेक्नोलॉजी लाना है इंडिया में। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के, और कुछ गरीब लड़कों के लिए, चाहे गरीब आदमी, चाहे हमारे बिहार में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट अभी उपलब्ध नहीं है, उनको इंटरनेट लोकल एरिया में इंटरनेट उपलब्ध कराना है, सभी को फ्री इंटरनेट मिले, पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से अच्छे से कर सके। चलिए इतना अच्छा सोचने के लिए आपको शुक्रिया, और इसी प्रकार से अपने कॉलेज, अपने गाँव, अपने घर, अपने मोहल्ला, अपने राज्य, अपने भारत को प्रगति पर लेकर जाते रहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कॉलेज का माहौल, हॉस्टल का माहौल, आई एक क्या बोलता है ये रूम में हम आकर और वीडियो शूट कर रहे हैं, रूम नंबर 304 है, रूम नंबर 304 में आकर वीडियो शूट कर रहे हैं। ये प्रतिकार तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और जानकारी तो है ही इसमें, जितना भी लड़के हमारे हैं, जितना भी इंजीनियर्स हैं, सब कुछ लगभग बोल ही दिए, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। All my time I'm waiting you to answer the phone, nothing seems to happen.